फ्रेंड यहाँ पर मैंने पोटल को ले लिया है और इसको जो है मैं साफ़ कर रही हूँ, कुछ इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब एक बचा है तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। भारी छिलका जो है इसको मैं निकालूंगी। कुछ इस तरह से साफ कर लिया है और इसको मैं साफ कर पानी में धो लूंगी। तो देखिए फ्रेंड अभी जो है मैंने यहाँ पर गर्म पानी उबालने के लिए रख दिया है। पोटल को जो है कुछ इस तरह से साफ कर लिया है तो अब इसको मैं थोड़ा टाइम उबालूंगी, थोड़ा टाइम नहीं पकने जितना ही उबालूंगी। तो देखिए फ्रेंड अभी जो है कुछ इस तरह से उबाल आ रहा है, पूरा ही पक गया है तो इसको अब मैं बाहर कर लूंगी। गया है जो कि इस तरह से करने से ही ये कट हो रहा है तो ये पूरा ही पक गया है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है मैंने पोटल को ले लिया है तो अब इसको जो है मैं पीस लूंगी, तो मैं दो दो करके पीस लूंगी अभी को। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से इसको मैंने पीस लिया है। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, मैं डाल रही हूँ तेज़पत्ता और यहाँ पर ले लिया है प्याज लहसुन और अदुआ और सूखा हुआ मिर्चा। थोड़ा बहुत फ्राई हो गया है तो इस पे डाल रही हूँ मैं ये पिसा हुआ पोटल का पेस्ट। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, तो इस पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और लाल मिर्च डाल दिया है साफ करके। ऐसे पोटल का सब्जी बना लिया है जो कि बहुत ही टेस्टी सब्जी बन गया है। तो ये पोटल भरता अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। ये फ्रेंड अभी जो है यहाँ पर मैंने तेल को चढ़ा दिया है और आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन आलू, जो कि मैंने आलू को जो है दाल पे ही उबाल के लाया हुआ है और सोयाबीन को अभी मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अजवाइन और प्याज, तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ आलू जो कि मैंने उबाल के ले लिया है। तो ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च मसाला,
और ये जीरा पाउडर, तब इसको मैं थोड़ा टाइम पका लूंगी। तो ये बन गया है, तो यहाँ पर मैंने दो अंडा ले लिया है फ्राई के लिए। रात को जो है मैं अंडा खा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेसन लो हो गया था, इसलिए मैं दो अंडा ले रही हूँ। इसको मैंने उबाल के इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आज का लंच कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने पोटो का भरता बनाया है फ्राई करके, और ये सोयाबीन आलू का सब्ज़ी, और यहाँ पर मैंने दो अंडा फ्राई करके ले लिया है, और ये रहा दाल, और ये रहा चावल। तो आज का लंच कुछ इस तरह से है। Thank you.